अस्सलामु अलैकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे होंगे। तो आज सारा आपके लिए एक रेमेडी लेके आई है और एक नुस्खा है बहुत ही आसानदा, और वो है स्टमक से रिलेटेड। हमारे मैदे में अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हम ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाएं तो उससे क्या होता है कि हमारे जलन स्टार्ट हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है मैदे में और बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़दह होता है। और क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो मैंने फिर एक जो है तैयार की घर में ये एक होम रेमेडी, और ये नुस्खा बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है, आपको बहुत फ़ायदा देगा और फौरन से पहले आपको रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलिए मैं उसकी तरफ चलती हूँ। आपने इसके वो पाउडर सा बनाना है, तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं वो हैं, ये हमने अजवाइन ले लेनी है, ये 2 टीस्पून ले लेनी है, ये है मेथी दाना, ठीक है, ये भी हमने 2 टीस्पून ले लेने हैं, और ये है सौंफ, ये हमने 2 टीस्पून ले लेना है, और ये है काला नमक, तो ये भी हमने हाफ़ टेबल स्पून ले लेना है। तो चलिए नेक्स्ट आपको बताती हूँ। तो जी दोस्तों, हमने एक इस तरह से बाउल ले लेना है, उसमें हमने 2 टीस्पून अजवाइन के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो डाल दें हैं नॉर्मल से, ठीक है। आप 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाले इसमें शामिल करेंगे सौंफ, वो भी हम 2 टीस्पून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी दाना ये भी हम 2 टीस्पून इस तरह से लाइट सा। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है इसमें सिर्फ 4 चीज़ें डलती हैं और उसी से आपको इतना फ़ायदा पहुंचता है कि आप हैरान रह जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो ये 1/2 चम्मच आपने काला नमक ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए इन सब चीज़ को आपने पाउडर शेप में ले आना है, पाउडर फॉर्म में ले आना है, इनको हम थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर में डाल के। तो जी दोस्तों, ये देखिए हमने इसको इस तरह से ग्राइंड करके इसका बारीक सामने पाउडर बना लिया है, इस पाउडर फॉर्म में आ चुका है ये। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब क्लोज़ करके दिखाती हूँ, ये इस तरह से हमारा हो गया है। और ये देखिए माशाल्लाह से इतना सा आपने रखना है इसको, ठीक है। अगर आप इसको और आप इसको पीस भी सकते हैं, मतलब सील के ऊपर पीस सकते हैं और ग्राइंड भी कर सकते हैं, इस तरह से हमने इसका पाउडर बना लेना है। तो जी फ्रेंड्स, ये बना के आपने रोज़ाना इसको इतनी 1/2 टीस्पून लेना है सुबह शाम, ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत 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 जल्दी फ़ायदा पहुंचेगा और बहुत ही जल्दी आपके जो सीने की अगर जलन है, आई मीन टू से मैदे की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, पेन है, और जो होती है जलन होती है ऐसे जैसे खोस ही पड़ती है ना, तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है तो मैंने सोचा मैं आपसे क्यों ना ये शेयर करूं वीडियो। तो आप भी ज़रूर इसको बना के रख लीजिएगा, क्योंकि बाज़ार में अक्सर चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, इंसान नहीं जा सकता, तो अच्छा है कि आप इस चीज़ को तो अच्छा है इंसान घर में बना के और बहुत कम कीमत पर आप घर में बना सकते हैं। आई थिंक 100 रुपीज़ में आपका ये सारा तैयार हो जाएगा और बहुत काफ़ी मतलब वीक सकती है, चल सकता है। आपने जस्ट 1/2 टीस्पून लेना है और पानी के साथ इसको यूज़ करना है सुबह शाम 2 टाइम्स, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो मुझे था कि मैं आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करूं। बहुत अच्छा ये नुस्खा है, बहुत आजमूदा है और इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मैं हाजिर होंगी, और खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी छोटी सी है, इसको इंजॉय कीजिए, अपना खास ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम करें, और दुआ में याद रखें, जिए तो ऐसे की दुनिया आपसे सीखे जीना इंशाल्लाह। और जो नए व्यूवर्स हैं वो चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सारा को इजाज़त दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुँचते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।